अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अडॉप्ट बाय अलीना। आज मुझे आप लोग का थोड़ा सा थैंक यू करना था, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और इतने शौक से देख रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्ला। और आज वीकेंड है, तो बस हम लोग एज़ यूजुअल बाहर निकले हैं, कुछ नाश्ता करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। थैंक यू। अब बस अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं नाश्ता लेने, और यहाँ मैं और वली वेट कर रहे हैं। वली बस सो के उठे हैं और मैं इनको लेकर आ गई हूँ, तो अभी इनका मूड ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। और यहाँ हमारा नाश्ता आ चुका था, और इस वक्त तक भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि तकरीबन एक दो घंटे हो गए थे हम लोग को उठे हुए। और आज का जो अंडा था वो पिछली दफ़ा से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्क्रैम्बल लेकर खाया था, इस बार मेरे हस्बैंड जो हैं वो चीज़ी ऑमलेट लेकर आए थे, जो कि बहुत ही यमी था, स्टफ्ड था। और इसमें जो स्टफिंग थी वो थी चीज़ की, मशरूम की और सैमन की, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा फिलिंग हो चुका था ये नाश्ता, और बहुत ही ज़्यादा यमी था। और नाश्ता करके हम लोग आ गए थे मॉल, और यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ विंटर स्टफ जो कि काफ़ी अच्छी क्लियरेंस पे लगा हुआ था। ये कार्डिगन्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये थे तकरीबन आई गेस 15 to 10 dollars के। और उसके बाद मैं आई थी स्कर्ट सेक्शन में, यहाँ पर मुझे स्कर्ट्स आज बहुत अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी लॉन्ग मैक्सी स्टाइल स्कर्ट्स थे, क्योंकि मेजॉरिटी जब भी मैं के मार्ट आती हूँ यहाँ पर मुझे हमेशा शॉर्ट स्कर्ट्स दिखते हैं या नी लेंथ स्कर्ट्स दिखते हैं, मगर इतने अच्छे लॉन्ग स्कर्ट्स की वैरायटी मुझे पहले नहीं दिखी जो मुझे आज नज़र आ रही थी। और इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी रीज़नेबल थी, तकरीबन 20 to 30 dollars में थे। ये शर्ट भी एक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्रॉप टॉप थी, ये आई गेस 7 dollars की थी। फिर इस रैक पे भी मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स नज़र आ रहे थे, मगर इनके ये एक बात बुरी थी कि इनके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े थे, जो कि मेरे तो किसी काम के नहीं थे। और बस सारे कलर्स वगैरह इसके बहुत अच्छे थे, मगर क्लियरेंस आप देख सकते हैं, 7 dollars ईच तो बहुत अच्छी प्राइस है, मगर साइज़ इनके बहुत ह्यूज थे। आई थिंक तभी ये सब क्लियरेंस पर इन्होंने लगा दिया था। डेनिम्स भी यहाँ काफ़ी अच्छी आई हुई थी, काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में, और सारे साइज़ अवेलेबल थे। और इन्होंने क्रिसमस रिलेटेड टॉप्स बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई थी, ज़्यादातर ब्लू, रेड, ग्रे, वाइट इन कलर्स में थी, और सब पे बहुत ही प्रिटी से जो क्रिसमस के रिलेटेड कार्टून्स और थीम्स हैं वो सारे इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे, और रीज़नेबल प्राइस में थी, 5 to 10 dollars की एक आपको टॉप मिल जाएगी। ये सॉक्स भी मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, ये 3 pack of 3 थे एक बॉक्स के अंदर, ये 3 dollars, 3.5 dollars के थे, ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारे नाइट सूट थे, और साथ में जितने भी नाइट स्टफ था वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेंज में लगा हुआ था। फिर उसके बाद मैं शूज़ सेक्शन में आ गई थी, क्योंकि मुझे स्लीपर्स चाहिए थी, मगर मुझे कोई ख़ास मज़े की नज़र नहीं आ रही थी। कलर्स अच्छे थे, मगर साइज़ काफ़ी बड़े बड़े थे, और मुझे अपना साइज़ मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा साइज़ है 7, और मुझे 7 जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि और सब साइज़ मिल जाते हैं लेकिन 7 साइज़ बहुत मुश्किल होता है। मगर बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी आज तकरीबन सब चीज़ों की, स्पेशली जो बच्चियां हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, उनके शूज़, स्लिपर्स, ये मुझे बहुत अच्छी वैरायटी में नज़र आए। मैं वली के कुछ घर में पहनने के कपड़े ढूंढ रही थी, जो कि मुझे ख़ास कोई नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे बेबी गर्ल्स के ज़्यादा कपड़े दिख रहे थे, बॉयज़ के इतने अच्छे, इतनी अच्छी वैरायटी में नहीं दिख रहे थे। और स्पेशली यहाँ पर अब पूरा जो इनका डिस्प्ले है वो समर क्लोथिंग की तरफ था, आप देख सकते हैं सारी शॉर्ट स्लीव्स की टॉप्स थी यहाँ पर, जो विंटर स्टफ़ है वो नहीं था, और मुझे वली के लिए थोड़ी सी विंटर की चीज़ें चाहिए थी। यहाँ पर मल्टीविटामिंस पे बहुत अच्छी क्लियरेंस थी। उसके बाद मैं मेकअप सेक्शन में आ गई, और यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छी मुझे क्लियरेंस नज़र आ रही थी, और ये हमेशा ही कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ पे इन्होंने बहुत अच्छी क्लियरेंस दी हुई होती है, और अगर इत्तेफाक़ से आपको वही चीज़ चाहिए हो तो बस आपके मज़े आ जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ स्पेशली क्रिसमस की ही शॉपिंग करने आए हुए थे, और क्रिसमस का स्टफ़ यहाँ बहुत ही अच्छा मिल रहा था, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे। बाद
मैं सर्च कर रही थी कुछ बाथरूम स्लिपर्स, क्योंकि मेरी जो बाथरूम की स्लिपर हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी यहाँ पर। और बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ पता है यहाँ स्लिपर्स का भी, मगर जो मुझे चाहिए थी वो थी ये ब्लू वाली। ये बहुत अच्छा कलर और साइज़ लग रहा था मुझे, तो बस मैंने ये ले ली। एक्टिव वेयर पे भी यहाँ बहुत ही अच्छी क्लियरेंस लगी हुई थी। इवन कुछ ट्राउज़र्स मुझे ऐसे दिख रहे थे जो कि जस्ट $3 के थे, और कुछ टॉप्स तो जस्ट $1 and $2 की थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर ये सेक्शन चेकआउट कर सकते हो। अगर आप जिमिंग करते हैं या किसी भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो आप ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि साइज़ भी यहाँ तकरीबन सारे अवेलेबल थे। उसके बाद मैं आ गई थी वली को टॉय दिलाने, क्योंकि वली को अब बहुत दिनों से कुछ मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको ऐसा दिलाऊं जो ये वाकई शौक़ से खेले। क्योंकि अक्सर टॉयज़ ऐसे होते हैं जो वली यहाँ पे इंटरेस्ट तो ले लेता है और मैं उसके लिए ख़रीद लेती हूँ, मगर घर जाके वो बिल्कुल भी बस ऐसे ही वो डाल देता है और नहीं खेलता उन टॉयज़ से। तो मैं सोची थी आज ऐसे टॉयज़ लूँ कि वाकई वली उनसे खेले और इसको मज़ा आए। उसके बाद मुझे ये फ़िशिंग गेम नज़र आया, जो कि बहुत मैं बचपन में खेलती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोग का भी ये गेम फेवरेट था और आप लोगों ने खेला है। उसके बाद मैं नोटबुक सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पर मुझे ये एक छोटी सी शॉपिंग कार्ट नज़र आई जो कि मुझे बहुत प्रिटी लग रही थी। आई डोंट नो ये इसमें क्या रखेंगे, मगर जो भी था ये बड़ा टाइनी सा साइज़ जो है वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है। उसके बाद मैं डॉल सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पर भी डॉल्स बहुत अच्छी वैरायटी में लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर क्लियरेंस थी, $7 to $10 की भी आपको मिल जाएंगी। और ये सारी उन डॉल्स के कपड़े थे जो कि एक छोटे से बच्चे के ही साइज़ के थे, साथ उनके शूज़, तो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रोज़न थीम की चीज़ें नज़र आ रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और काफ़ी सारी वैरायटी थी डॉल्स में, एल्सा, आना, सारे जो डिज्नी प्रिंसेस हैं उनकी सबकी यहाँ पर डॉल्स थी। और किसी को गिफ्ट करने के लिए तो इस वक्त ये बेस्ट टाइम है आई थिंक, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्लियरेंस थी सारी डॉल्स के ऊपर। वली को किसी भी डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं आया सिवाय उस कोकोमेलन के टॉय के, तो वो मैंने उसके लिए ले लिया था। उसके बाद हम आ गए थे स्कार सेक्शन में, और यहाँ वली को बहुत मज़ा आ रहा था। स्पेशली ये बाइक वली को बहुत अच्छी लग रही थी और ये मैंने वली के लिए ले ली थी। घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी चलती है, और वली को बहुत मज़ा आया। आज पूरे दिन वली इसी टॉय के साथ खेल रहा है। उसके अलावा कार्स की भी बहुत अच्छी रेंज थी, बैटरी वाली सारी कार्स यहाँ पर बहुत अच्छी साइज़ में थी। बस वली का बस नहीं चल रहा था कि इस डब्बे के अंदर अभी ही ये खेलना शुरू हो जाए अपनी बाइक के साथ। उसके बाद यहाँ मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता, तो इन्होंने क्रिसमस के मुख्तलिफ पैक्स बनाए हुए थे, बास्केट्स बनाई हुई थी कि आप सिंपली एक बास्केट लें और किसी के भी घर जाएं उसे गिफ्ट कर दें, आपको स्पेशली अलग से कोई गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ क्रिसमस के बहुत प्यारे कुशन्स यहाँ पर लगे हुए थे जिस पर गोल्डन कलर से जो है वो राइटिंग हुई हुई थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और ये डबल टायर ट्रेस भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इस पर आप डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं। और ये मेसन जार्स के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी सी क्रिसमस की ही सारी चीज़ें बनाई हुई थी, तो क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी थी। आप बहुत आराम से यहाँ से आगे शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बास्केट्स पे भी बहुत अच्छी क्लियरेंस थी, $7 इवन $4 की भी बास्केट यहाँ पर मुझे नज़र आई, जो कि यूजुअली $15 or $20 की होती हैं, तो ये भी आप एज अ प्लांट पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। आज तो टोटली वली डे था और वली की ही शॉपिंग हुई है ज़्यादातर, और इनको आज बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि इनके सारे फेवरेट टॉयज़ हमने ले लिए थे। टाइम ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम आए थे, तो अगर आपको भी शॉपिंग करनी है तो हमेशा जल्दी अर्ली ही आया करें। और यहाँ हम लोग घर आ गए थे और वली को उसके टॉयज़ दिखा रहे थे जो वली को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे थे, क्योंकि सारे ही टॉयज़ में से म्यूज़िक आ रहा था, लाइट्स जल रही थी, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें स्पेशली जो वली की एज है 2 years and plus, तो ऐसे बच्चों को जो है वो ऐसे इंटरेक्टिव टॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसकी रेंज के मार्ट में बहुत अच्छी थी, तो बस यहाँ पर ये दोनों टॉयज़ तो सिंपली बस आप खेल सकते हैं, लेकिन ये जो इसके लिए हमने बाइक ली थी इसको असेंबल करना था थोड़ा सा, तो यहाँ वली के पापा वही असेंबल कर रहे हैं वली के लिए। असेंबल करना बहुत आसान था, इन्होंने साथ इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया हुआ था, मगर इसके बाबा देखे बगैर ही ईजीली इसको लगा रहे थे। और साथ में इन्होंने स्टिकर्स और वारंटी कार्ड भी दिया हुआ था, आई थिंक 1 year की वारंटी थी। और यहाँ वाली बहुत थक चुका है, तो बस इसको मेरी गोद में आना था, क्योंकि ज़ाहिर है ये सुबह से जल्दी उठ गया था आज, तो बहुत ज़्यादा थक गया था मॉल में चल चल के। और ये बस इसकी बाइक रेडी हो गई।
मुझे बच्चों के ये वाले टॉयज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि आप उनके हाथ में आईपैड दे दें और टैबलेट दे दें और उसमें वो गेम्स खेलें। तो कोशिश करें उनके साथ आप खुद खेलें या उनको टॉयज़ से खिलाएं, तो वो उनकी हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बाहर से आके कुछ सर में दर्द था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अपनी स्पेशल वाली चाय बना के पिलाएं, जो कि वो अदरक की चाय बनाते हैं। तो बस हम यहाँ वही पी रहे हैं और साथ बिस्किट खा रहे हैं और वली अपना कार्टून एंजॉय कर रहे हैं, साथ में वली अपना पराठा भी खा रहे हैं। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, सुबह सुबह उठने का बड़ा फ़ायदा हुआ, सारे काम जल्दी जल्दी हो गए। उसके बाद मैं अपनी मूवी कंप्लीट करी थी, ये थी रेड नोटिस। आप लोगों में से किसने ये देखी है ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी लगी? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, काफ़ी फ़नी सी भी थी और एक्शन भी इसमें अच्छा था, तो इतने टाइम बाद देख के बड़ा अच्छा लगा। और ये देखिए वली ने क्या किया, मेरी चाय के अंदर अपना बिस्किट डाल दिया, और वो ऐसा डाला था कि वो बिस्किट पूरा घुल ही गया था। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।